एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल में स्थित भद्रोला गांव पहुंची। इस समय बलवीर सिंह को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। लगभग 1650 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक हैं। जब गांव में सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि वर्तमान में गांव में 13 विधवा पेंशन, 12 वृद्ध पेंशन व 2 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 180 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 52 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 15 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 160 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 13 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में शौचालय, पानी मैं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भद्रोला जी बलवीर सिंह जी। यो हमारी ग्राम पंचायत में हमारी सरकार से धनराशि आई, मैंने उसका स्कूलों में काम कराया है और गांव में सड़क और नालियों का निर्माण कराया है जी। और नलों का, शौचालयों का निर्माण कराया है जी। और जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय जी के द्वारा और जो अनुदान की जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि ऐसे हमारा एक नाले के निर्माण के लिए जरूरत पड़ रही है जी, जी। और सीसी टैल की भी लिए कुछ जरूरत पड़ रही है, इसमें हमारी धनराशि कम आ रही है जी, जी। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ और ग्रामवासियों की तरफ से भी अनुरोध करता हूँ कि हमें धनराशि का पूर्ण सहयोग दें और हम काम में विकास में सफल पाएँ। और मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद जी। मैं ग्राम भद्रोला से उमेश सिंह, यहाँ का नागरिक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं। इसे बने हुए 2010-11 में बना था, लेकिन आज तक इसमें कोई ना तो डॉक्टर आकर बैठा है और न ही कोई यहाँ साफ सफाई सुरक्षा कुछ नहीं, जो कि सब बिल्डिंग खिड़कियाँ सब टूट गए हैं न। हम राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करते हैं कि या तो ऐसी बिल्डिंग ना बनाएँ, बनाएँ तो उसमें कोई डॉक्टर या सुरक्षा सुविधाएँ दें।